आज तृप्ति मैम हमें बताएंगी वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी एक बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में। किसी के भी लिए किसी के साथ जुड़ के रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है, चाहे फिर वो सीनियर हो, जूनियर हो, कोई भी हो, करेक्ट। तो मेरे हिसाब से सीनियर सिटीजन्स जो है उनको अपनी सोच चेंज करनी है। मैं जो कहूँ वही सही है, मैं जो खाना परोसूँ वही तुम्हें खाना है, मैं जो कपड़े पसंद करता हूँ वही तुम्हें पहनने हैं। दिस एटीट्यूड हैज़ टू चेंज। अगर ये एटीट्यूड चेंज होता है तो मुझे लगता है कि समस्या रहेगी नहीं। और मैम काफ़ी सीनियर सिटीजन्स ऐसे होते हैं जो सोसाइटी के साथ, जो समाज के साथ जुड़ नहीं पाते हैं, उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो मैम इसके क्या क्या रीजंस, क्या क्या कारण हो सकते हैं? एक तो है स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद, ठीक है, अपनी हेल्थ की केयर करना बंद, बाहर जाना बंद, दूसरों के साथ कनेक्ट करना बंद कर देते हैं, अपने दोस्तों से मिलना बंद कर देते हैं। जैसे पहले अगर वो गार्डन में जाते थे, अपने हम उम्र के लोग से मिलते थे, तो वो भी बंद कर देते हैं। थर्ड थिंग इज़ देयर कि वो लोग अपने नाती पोती में बिज़ी हो जाते हैं, अपने दोस्तों से दूर और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, और ग्रैंड चिल्ड्रन 2-3 साल में बड़े हो जाते हैं, फिर उनकी बात नहीं मानते, राइट। तो मेरे हिसाब से द प्रॉब्लम इज़ कि दे स्टॉप ग्रोइंग बिकॉज दे स्टॉप वर्किंग, दे स्टॉप डूइंग फिजिकल एक्टिविटी, फिर दोस्तों से मिलना बंद कर देते हैं, अपनी पसंद से जो चीज़ पहले करते थे वो पसंद से न करना, वो भी अच्छी बात नहीं उनके लिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अपने दोस्तों से मिलना बंद कर देते हैं, उनको बुरा लगता है, पर मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, अभी मैं तो मतलब यूज़लेस हुआ हूँ। तो ये सब चीज़ें जब आप बंद कर देते हैं तो धीरे 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 फिर यू बिकम ओल्ड, फिर आप बूढ़े हो जाते हैं। तो बूढ़ी सोच के कारण मुझे लगता है कि वो इस तरह का जीवन इन बिताते हैं। दिस हैज टू स्टॉप। तो मैम हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो अपनी एवरीडे लाइफ में ऐसे कौन कौन से किस प्रकार के छोटे छोटे चेंजेस लेके आ सकते हैं ताकि उनकी लाइफ थोड़ी बेटर हो जाए? फर्स्ट थिंग दैट दे कैन डू एवरी मॉर्निंग इज वो लोग उठ के किसी को फोन कर सकते, कॉल अ फ्रेंड। तो सुबह उठते ही एक पॉजिटिवनेस उनमें, दे विल फील पॉजिटिव, राइट, कि किसी से बात की है, उन्होंने भी उनके बारे में कुछ इंक्वायरी की है। ये आप शुरुआत में कर सकते हैं, और जो उनको पसंद है वो उनको खाना एक ज़रूर खाना चाहिए रोज़, या सो दैट दे फील पॉजिटिव, राइट, बिकॉज फूड कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस एज वी नो, है ना। मुझे जो पसंद है अगर मैं वो खाती हूँ तो मुझे डेफिनेटली अच्छा ही लगेगा, करेक्ट। और फिर मुझे लगता है कि अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना, जैसे टू ड्रेस अप वेल, दैट्स इम्पॉर्टेंट। जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है आपको लगता है कि अब क्या करना है, क्यों शॉपिंग जाना है, कौन कौन मुझे देखने वाला है। इंस्टेड यू शुड लुक गुड, दिस इज़ हाउ यू टू स्पेंड योर डे। आपका दिन जो है ना वैसा होना चाहिए जैसा आपका जीवन था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओ अब मेरा लाइफ चेंज हो गई है, मैं अभी बूढ़ी हो गई हूँ तो मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। नो, लाइफ शुड बी द सेम एज इट वॉज। तो आपका पास्ट और आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर विल बी वंडरफुल।